CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रही हैं। ममता की नज़र अब ना सिर्फ अन्य राज्यों के चुनाव लड़ने पर है, बल्कि उनकी तैयारी 2024 लोकसभा चुनाव की भी लग रही है। तभी वो अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से मिल रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को ममता बनर्जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे, जहां वो शिवसेना के आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात करेंगी। हालांकि ममता का प्लान उद्धव ठाकरे से भी मिलने का था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से ये मुलाकात नहीं होगी। मुंबई पहुंचकर ममता बनर्जी ने सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद ममता बनर्जी शहीद तुकाराम ओंबले मेमोरियल पहुंची, जहां उन्होंने शहीद तुकाराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस में बतौर कांस्टेबल तुकाराम ओंबले 2008 मुंबई हमले में आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए थे। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की और बताया कि वो पहली बार इस मंदिर में आई हैं। उन्होंने मंदिर के अंदर उद्धव ठाकरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। ममता बनर्जी ने कहा, मैं कई बार मुंबई आई लेकिन कभी सिद्धिविनायक मंदिर नहीं आई। मैं अपने घर पर भी गणपति बप्पा की पूजा करती हूँ। मैं महाराष्ट्र सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैंने यहाँ उद्धव ठाकरे जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है।